चलो बेटा तो फिर शुरू करते हैं। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर। हक ज़ात अल्लाह की। 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 अल्लाह अकबर। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ उस्मान, रुक जाओ। हमेशा दहकते हुए लोहे को कूटा जाता है, अच्छी तलवार बनाने का यही तरीका होता है। रुको जरा। यह है अब्बास की शादी का तोहफा बामसी साहब। कल शाम तक तैयार हो जाएगी ये तलवार। उससे के वादे मैंने हमेशा निभाए हैं। ऐ गुजरे हुए सालों, उस्मान और अब्बास बड़े होने के साथ साथ आज जानी और खूनी भाई बन चुके हैं। बाबा अर्तुरुल ने जो आग दहकाई थी, उसी आग में दहक कर हमारी दोस्ती पक्की हुई है बामसी साहब। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से ये दिन भी देख लिए। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। अच्छा तो तुम क्या कहते हो उस्मान, अर्तुरुल गाजी कोनिया से अपना काम पूरा कर कर आएंगे? क्या सुल्तान और वज़रा उनकी पेशकश कबूल कर लेंगे? बताओ क्या लगता है तुम्हें? हमने इशाक को अकेले नहीं बल्कि सुल्तान और सलान के साथ मिलकर चलाया था बामसी साहब। छोटे थे लेकिन अब जवान हो गए, काफिरों के सीनों पर सवार हो गए। इस जगह को अपना वतन बनाने के लिए मुसलसल जंग करते रहे। वक्त आ गया है, पौधे को दरख्त में बदलने का वक्त आ गया है। शुक्रगुजारी से काम लेने वाले जंगजू और खवातीन इसी तनावर दरख्त की छाव में अपनी सल्तनत कायम करेंगे। जितने दुश्मन हैं वो सब के सब इसी आग का ईंधन बनेंगे। और कूनिया से चाहे जो भी खबर आ जाए, मैं अपने वालिद का परचम कभी गिरने नहीं दूंगा। अल्लाह गवाह है कि सारी दुनिया, मैं और मेरी औलाद भी परचम लहराने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे, किसी कीमत सौदा नहीं करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे बहादुर, क्या तुम्हारे कानों ने ये बात नहीं सुनी है? मैं खुली आंखों से नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने अर्तुगरुल साहब की दहकाई हुई आग को अपनी आंखों से भड़कते हुए देखा है। सुलेमान शाह को भी यही मर्ज था। भाई की अमानत का भार अब मैंने उठाया है, लेकिन अब यह मर्ज मेरे लिए रुकावट बन गया है। हवा पत्थरों पर से ही गुबार उड़ाती है। आप तुंदार साहब हैं, अल्लाह के हुक्म से तमाम मुश्किलात से गुजर जाएंगे। हर शख्स देखेगा और भाई जान भी देखेंगे ये जंग जो हमने 25 साल तक लड़ी है। बहुत कुछ गवाया हमने, अब ये मुआहिदा इस सरजमीन पर अमन सुकून लेकर आएगा। तुंदार साहब, आप अपने आप को छोटा ना समझे। इंसान रास्ता अजनबी के साथ नहीं तय करता बल्कि अपने दोस्त के साथ करता है। अगर आप ही गुलदारों और सारिम की तरह वापस लौट जाते तो क्या होता? आपने साथ दिया तभी अर्तुरुल साहब ने एक निजाम खड़ा किया। शिकार हर कोई खेलता है, लेकिन शिकार और महारत दोनों आप ही के पास हैं। जैसे आप सुलह की बात कर रहे हैं, उसी तरह आपके दुश्मन
हसद करते हुए सांपों को बिलों से बाहर निकाल देंगे। एहतियात बहुत जरूरी है। अल्लाह मेरा गवाह रहे और मुझे हिम्मत दे, ये जो सांप हैं जिंदा चलेंगे। अब याद रखना, मैंने अर्तुरुल भाई से वादा किया है, ये काम जरूर होगा। चलो हाकिम योर को बोलो, उसको इंतजार नहीं करवाते। कले जाने से पहले आपसे दुआ करवाना चाहता हूं। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ हैं बेटा, लेकिन काफिरों पर किसी सूरत एतबार नहीं किया जा सकता। अपनी आंखें खुली रखनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें बाबा, मैं काई कबीले के जंगजू जवानों के अमीर बमसी साहब का बेटा हूं। मेरे सामने आने वाला दुश्मन समझ ले कि वो हार जाएगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, लेकिन तुम भी ये जान लो कि सिर्फ बहादुरी हिफाजत के लिए काफी नहीं है, एहतियात भी लाजमी है। हमेशा एहसास होना चाहिए बुजदिलों के आने का। बुजदिलों के आने का एहसास कैसे होगा बाबा? सरदार को होगा, बहादुर सरदार को एहसास होगा। देखो ये हमारे अजदाद की नसीहत है, गौस पर हमेशा मुसीबत सोते हुए ही पड़ी। जो बहादुर सोता नहीं उसे एहसास होता है। बाज लोग सोते हैं लेकिन सरदार जागता है, चाहे वो सो भी रहा हो उसे पता चल जाता है बुजदिलों का। जानता हूँ बाबा, आपको अर्तुगरुल गाजी बहुत याद आते हैं। आए मेरा अर्तुगरुल। नहीं बेटा नहीं, आंखें जिसे देखती ना हो उसके लिए उदास होती हैं। बेटा मैं उन्हें उस्मान में देख सकता हूँ, हर हालत में खड़े हुए बैठे हुए वो यही मौजूद हैं। बहादुर साथी हमेशा आपके बिल्कुल सामने होते हैं। बेटा मैं चाहता हूँ तुम भी उन्हें देखने वाले बनो। देखो बेटा ये तुम्हारे वालिद की नसीहत नहीं, अजदाद की नसीहत है। जैसे मैं अतुल साहब के साथ खड़ा रहा हूं, तुम भी उस्मान के साथ ही रहना। आयशा खातून, क्या आप तुर्कमानों और अजदाद की सरजमीन से आने वालों के लिए भी कुछ लेकर जाएंगे? मुझे पता था कि आप उसका पूछेंगे कुंदूज साहब, मैंने कल शाम ही तैयार कर दिया था। जीती रहो खातून जीती रहो, तुमने भी हाय मम्मी के बर्तन से पानी पी रखा है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। बोर्जन अब्बास, ऐसा हो सकता है कि आप ना जाएं? आज शाम हमारी मेहंदी के लिए तैयारियां हो रही हैं, काश आप साथ होते। जानती हो सिपाही का फर्ज हर शय से बढ़कर होता है, उस्मान साहब को मैं किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। हमारे लिए दुआ करो, खैरियत से जाएं और जल्दी वापस आएं। इंशाल्लाह अल्लाह आपके रास्ते आसान फरमाए अब्बास। कुछ वक्त और, इन हाथों में मेरे नाम की ही मेहंदी रचाई जाएगी और तुम दुल्हन बनोगी। आइगल की तैयार की हुई मेहंदी आप देख सकते, बहुत प्यारी है। काश तुम अपने आप को एक बार मेरी आंखों से देख पाती, तुम बहुत प्यारी हो। अब आप जाइए, वो इंतजार कर रहे होंगे।
और जैन, अल्लाह की अमान में रहो। आप भी अब्बास, आप भी। बहादुर सिपाहियों, तुम रस्सी में बटी हुई तलवार की तरह हो, जो बाहर से पुरसुकून और अंदर से आग की तरह दहकती हुई। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये सब क्या है? ये वो तलवारें हैं बाबा, जो हाकिम को हदिया की जाएंगी। उस्मान, जब भी तलवार का जिक्र होता है तो जहन तुम्हारी तरफ जाता है। अब देखते हैं हमारे दोस्त हाकिम योर्गोबोलोस को इस तोहफे से खुशी होती है या नहीं। उसके लिए वही तलवारें लेकर जाएंगे जो उस वक्त हमारे हाथों में होंगी, वही तोहफा होंगी उसके लिए। क्या नहीं होगी उसे खुशी तुंदर साहब? दोंदार साहब, जरा ठहरिए। भाइयों पर किसी भी वक्त मुसीबत आ जाती है, ना जाने अचानक क्या हो जाए। मैं भी साथ जाना चाहता हूं, क्या कहते हैं आप? आप हमारा बाजू बंद कर रहे हैं कबीले में। आप यहां रहकर तैयारियां देखें, कबीले का निजाम देखें। जैसा आप कहें। अब हमें यहां से चलना होगा। सुलह और तिजारत में जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मौदा होगा हाकिम साहब। अलबत्ता तिजारती काफलों पर हमला करने की सूरत में दी जाने वाली रकम की बात कबूल करना मुमकिन नहीं। तुम बेफिक्र रहो कलाडोस, मुझसे इस बात पर कोई मोहर नहीं लगवा सकता। मुझे कोई शक नहीं जनाब। मैंने अर्तुरुल के साथ इस मुआहदे का बीज बोने की बहुत कोशिश की और दुंदार इस काम को जल्द पूरा करना चाहता है। बिल्कुल चाहेगा, वो इस मौदे के जरिए सभी को अपनी ताकत दिखाना चाहता है।
खुदावंद की मर्जी से हम सदा ताकतवर रहेंगे। ये कड़ा मेरे शौहर की हमेशा हिफाजत करेगा। जब तक तुम मेरे साथ हो सोफिया, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं। फिर भी एहतियात लाजमी है। कल रात से मेरे दिल में अजीब वसवसे आ रहे हैं। आप कहेंगे कि वहम है शायद, लेकिन परेशानी है मुझे। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मेरा सबसे बहादुर जंगजू कमांडर कालनोस मेरे साथ है। काई तशरीफ ला रहे हैं। हकीम आ रहे हैं। शामदीद दुमदार साहब। बहुत शुक्रिया हाकिम योर्गोपोलोस। मलिका सोफिया। काई कबीले की खवातीन को भी खुश आमदीद। हमारे कले को इज्जत बख्शी। ये हमारे लिए भी शरफ है मलिका। काश के इस खुशी के दिन अर्तुरुल साहब भी होते। इस खुशी के लिए सबसे ज्यादा हम उनके मकरूज हैं। हमारा नाटक शुरू होगा। अर्तुरुल, तुम हमेशा से मुझे चाहते थे ना, तो बतौर हाकिम मैं तुम्हारे सामने हूँ। आज तक ना तुम मुझसे डरे और ना ही मैं तुमसे डरा, तो चलो आज इस काम को खत्म करें। आज फैसला होकर रहेगा। बस करो, खत्म करो ये लड़ाई। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे पर एतमाद करें, मेरी अवाम की भूख मिटे और तिजारत आसान हो जाए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमने कहा था कि खून के आखिरी कतरे तक जंग होगी, लेकिन अब हम सुलह चाहते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो तुम मेरे भाई दोनदार से सुलह कर लो, तब तक मैं कोनिया से होकर आता हूँ। वापस आकर इस मुआहदे की खुशी में शानदार किस्म की दावत करेंगे। हाकिम योर्गोपोलोस, तुम एक इज्जतमंद आदमी हो, तुम्हारी अकल तलवार की तरह तेज है। जहाँ तक अर्तुरुल साहब की बात है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा। सारी दुनिया जानती है उनकी बहादुरी बहुत अच्छे से। खाना खिलाता है भूखों को, पहनने को लिबास देता है, कर्जदार का कर्ज अदा करता है। मुस्लिम हो या कोई गैर मुस्लिम, वो कोई फर्क नहीं करता। अर्तुरुल गाजी और उसकी औलाद की दोस्ती फायदेमंद, जबकि दुश्मनी नुकसान दे। हाकिम की हिफाजत करो, हाकिम की हिफाजत करो। सिपाहियों, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी।
अपनी जान पर भी खेलकर हाकिम को बचाओ। सिपाहियों, जंग की तैयारी करो, हाकिम को पुत्र होने पाए। की है, यह तुम्हारा किला है, तुम्हारे सिपाही हैं, और तुम ही हम पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हो। कौन है तुम्हें भेजने वाला? कौन हो तुम? मुंह खोलो अपना, बताओ मुझे। इस कले में हर जगह सराहत कर चुका है, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है उस्मान, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सब के पीछे कौन है जब तक मालूम नहीं हो जाता, हम में से कोई चैन से नहीं बैठेगा। आज तो नहीं, लेकिन जल्द या बदेर तीर सीने में उतर कर रहेंगे। बिसिनिया नामी इस शोरिश ज़दा जगह पर आप जानते हैं मैं इतने तवील अरसे से यहां किस तरह जमा हुआ हूं। हमेशा सूंघता रहता हूं, अच्छे और बुरे हर एक की अपनी अपनी बू होती है। अच्छा हो या बुरा हो, उसमें बू होना लाजमी है। अच्छा तो अब बताओ मुझे, क्या खबरें हैं? अलीशार साहब का एक अलग है, जाहिर है वो हाकिम के साथ कोई मुआहिदा करेंगे। क्या हाकिम उनकी शर्तें कबूल करेगा? वो तहाइफ साथ ले गए हैं और रोमी उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस खित्ते में लिखने वाला कलम भी मैं और वर्क भी मैं ही हूं। मेरे बगैर यह मुआहिदा कोई अहमियत नहीं रखता। यह मुआहिदा नए बाजार की कमर तोड़ देगा। अगर यह मुआहिदा हुआ तो सौगत के बाजार की अहमियत बढ़ जाएगी। माना के हालात हुसना हो चुके हैं, लेकिन एक चीज भूल गए वो कि ये जो हालात हैं अब भी मेरी मुट्ठी में है। ज़ोहरा खातून, मुझे इस तकलीफ दे वाक्य ने अंदर तक हिला दिया है। इस अलमिये की जितनी भी माजरत की जाए कम है। जिन हालात में आप लोग हैं शहजादी, उनसे तकलीफ या माजरत से नहीं निकल सकते, याद रखिए।
जो कुछ हुआ वो दर हकीकत शर्मनाक था। कलाहसार इस सलूक के लायक कतई नहीं था। आपका कला मजबूत है लेकिन दरवाजे बहुत कमजोर हैं। अगर अंदर से ताले ना खोले जाते ये मुसीबत बाहर से आने वाली नहीं थी। मेरे आका बहुत जल्द कले के भेदी को ढूंढ निकालेंगे, फिकर मत कीजिए। आप लोगों की जुर्रत और बहादुरी की वजह से मेरे आका हमारे दरमियान हैं अब तक। तो साबित हो गया कि काई कबीला यूं ही मशहूर नहीं है। हमारी जगह जो भी होता यही करता। सुलह और दोस्ती ही चाहते हैं हम। यही तो वजह है हमारे यहाँ होने की। सुलह और दोस्ती के सामने बहुत कुछ होता है। जो कुछ यहाँ आज हुआ सब कुछ उसने बता दिया। यह हमला सिर्फ हाकिम पर नहीं बल्कि मेरे शौहर पे भी हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि गद्दारों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उसे ना ही दुंदार साहब छोड़ेंगे और ना ही मैं उसे छोड़ूंगी। माजरत कबूल करें दुंदार साहब। माजरत क्यों कबूल करें यॉर्गो बोलोस? मैं शर्मिंदा हूँ इसके लिए। माजरत उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक वो लोग सामने नहीं आ जाते जिन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की है। यकीन कीजिए मैं उनको जल्द अज जल्द पकड़ लूंगा। लगता है ये मुआहिदा करके हमने किसी की नफ्स दबा दी है दुमदार साहब। अगर हमारी जान चली जाती तो जवाब दें उन शरायतों और वादों का फिर क्या बनता? अगर हमारी तमाम शरायत कबूल हैं तो सबसे पहले गद्दारों को तलाश करें। अगर आपका एतमाद मुझ पर बाकी है तो मुझे आपकी शरायत कबूल है। एक बार फिर सोच लें। क्या आपको यकीन है इस तरह का अहम फैसला एक ही लम्हे में खुद कर लेना ठीक होगा क्या? यही सही है कारनोस। इस काम को आज ही होना है ताकि काई कबीले वालों को हमारी दोस्ती पर कोई शक न रहे। आप क्या कहते हैं गुंदूस साहब? दुंदार साहब मेरा ख्याल है कि इस काम को अभी ही मुकम्मल किया जाए। अर्तुरुल साहब जब वापस आएंगे तो कबीले में जरूर दावत करेंगे। तो फिर मुआहिदे में देर किस बात की? तशरीफ लाए बैठकर बात करते हैं। सबसे पहले यह बताएं कि ताजरों के काफलों का क्या होगा? ये बहुत भारी शर्तें हैं। ये दोनों तरफ बराबर हैं कमांडर कालानोस। जिसकी हुदूद में जो कुछ भी होगा वो उसका बदला लेगा। डाकुओं के हमले के बाद अगर आसार मिट जाएं या वो दूसरी हुदूद में दाखिल हो जाएं, तो फिर हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये कबूल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कबूल किया जा सकता है कालानोस। उस्मान, तो बताएं कैसे? हुदूद फलांग कर अपनी जान बचाने पर हमलावर काफी खुश है। मेरे लिए आपका हर लफ्ज अहम है। अपनी बात मुकम्मल करें। अगर आप मुझे उन तक रसाई दें तो जरूर मैं उनसे हिसाब लेना चाहूंगा और यकीन दिलाता हूं कि उन्हें अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। तो इस तरह हमारे ताल्लुकात में भी किसी किस्म की खलिश पैदा नहीं होगी। लगता है कुछ ज्यादा ही यकीन है आपको अपनी महारत पे। आज आपने दिखा दिया आप कितने माहिर हैं। आप क्या कहते हैं दुंदार साहब? अपने भतीजे को गलत ना समझे। अच्छी बात है लेकिन यह तरीका मुश्किल और खतरनाक है। जान का भी खतरा है। आसार देखना और डाकुओं का पीछा करना हर एक के लिए आसान नहीं है।
अगर ये काम आपके जिम्मे लगाया जाए तो आप कामयाब हो सकेंगे उस्मान साहब। किसी भी तरह इस किस्म के फैसले को कबूल नहीं किया जा सकता जनाब। तो कैसा रहेगा अगर इस महाज पर मैं अपने सिपाहियों के साथ जाऊं? मैं पुरयकीन हूं कि आपके इस कमांडर कालानूस के दिल में कोई शिकायत बाकी नहीं रहेगी। जबकि दुंदार साहब भी मुत्तफिक है तो मैं आपको अपने हुदूद की इजाजत देता हूं उस्मान साहब। कमांडर का भी बहुत जल्द तय कर लिया जाएगा, इसे आज की बहादुरी का तोहफा भी समझ लें। सलामत रहें हाकिम यूरबोलस। लिख दिया जाए कि मैंने उस्मान को इजाजत दी है।